सो दोस्तों, यहाँ देख सकते हो मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप के पिक को आप लोगों को एडिटिंग करके दिखाऊंगा। तो फाइनली गाइस, जो हमारे वाला मॉडल है देन इसको हम लोग अपना शेयर कर लेंगे रिमनी ऐप के अंदर, क्योंकि देन गाइस वहाँ जो हम लोगों का मॉडल का पिक है ना, देन उसका क्वालिटी इंक्रीज करना है, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारा मॉडल का जो फेस ब्लैक दिख रहा है वो ऑटोमेटिक ही बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा और गोरा भी हो जाएगा। आफ्टरऑल गाइस, यहाँ रिमनी ऐप में शेयर कर लेने के बाद आफ्टरऑल आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा। देन उसके बाद देन गाइस यहाँ आप लोगों को यहाँ नीचे पे ये वाला ऑप्शन शो हो जाएगा। देन इस पर फाइनली आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देन गाइस एक कुछ सेकंड लेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक ही आप लोगों का जो फोटो की क्वालिटी है उसको इंक्रीज करके दे देगा। सो भाई, आप लोग आते हो यार वीडियो को देख कर चले जाते हो भाई, सपोर्ट ही नहीं करते भाई। अगर आप ही लोग सपोर्ट नहीं करोगे यार तो कौन करेगा। तो हो सके तो भाई देन चैनल पे नए हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फाइनली तो आफ्टर ऑल गाइस, यहाँ देख सकते हो यार, ये हम लोगों का पहले का पिक है, देख सकते हो बिफोर इन आफ्टर। तो रिमनी ऐप में क्वालिटी को इंक्रीज कर लेने के बाद ना, फाइनली गाइस आप लोगों का फेस की क्वालिटी एकदम ही फुल HD में हो जाएगा। देन आप लोगों का जो मॉडल का फेस वो गोरा भी हो जाएगा। अब फाइनली आप लोग यहाँ देख सकते हो। देन फाइनली उसके बाद कुछ भी नहीं करना गाइस, जो हमारा मॉडल देन इसको यहाँ ऊपर पे देख सकते हो डाउनलोड का ऑप्शन है, देन इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। फाइनली गाइस उसके बाद जो हमारा पीक है देन इसको हम लोग को लेके जाना है फाइनली अपना स्नैपशीट के अंदर। सो दोस्तों, यहाँ देख सकते हो जो हमारा मॉडल है देन उसको हम लोगों ने अपना स्नैपशीट के अंदर ऐड कर लिया। ऐड कर लेने के बाद फाइनली गाइस आप लोगों को जाना है यहाँ टूल्स वाले ऑप्शन पे। टूल्स वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद फाइनली आप लोगों को ले लेना है सेलेक्टिव टूल। उसके बाद ना गाइस देन यहाँ आप लोगों का जो भी मॉडल का फेस का एरिया यहाँ ब्लैक होगा वहाँ पे आप लोगों को टाइप टाइप करके कुछ इस टाइप से ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना है। यहाँ क्लैरिटी को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है। सेचुरेशन को आप लोग अपने हिसाब से यहाँ एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो आफ्टर ऑल गाइस, अगर आप लोगों का भी मॉडल पे कुछ इस टाइप से ब्लैक ब्लैक रहेगा ना, तो आप लोगों को कुछ इस टाइप से टाइप कर करके फाइनली उसका ब्राइटनेस इंक्रीज करके आप लोगों को अपना जो मॉडल का फेस उसको फाइनली गोरा कर लेना है। तो आफ्टर ऑल यहाँ देख सकते हो गाइस, बिफोर इन आफ्टर। और देन हम लोगों का जो हैंड है गाइस वो भी बच गया था। फाइनली हम लोग इसको फिर से यहाँ से कुछ इस टाइप से टाइप कर करके इसको भी फाइनली गोरा कर लेंगे। आफ्टरऑल गाइस यहाँ देख सकते हो यार, गोरा करने के बाद जो हमारा पीक है काफ़ी ज़्यादा औसम तरीके से लग रहा है। यहाँ देख सकते हो बिफोर इन आफ्टर। फाइनली उसके बाद कुछ भी नहीं करेंगे गाइस, अपना यहाँ एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन है, देन इस पर क्लिक करके हम लोग इसको फाइनली कर लेंगे सेव। सेव कर लेने के बाद फाइनली गाइस इसका फेस स्मूथ करेंगे हम लोग अपना ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर। सो फाइनली गाइस यहाँ देख सकते हो जो हमारा मॉडल है देन इसको हम लोगों ने अपना ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर ऐड कर लिया है। यार ऐड कर लेने के बाद गाइस देन सबसे पहले जो हमारा मॉडल का फेस है देन इसको हम लोग को गोरा करना है। गोरा करने के लिए देन गाइस यहाँ आप लोगों को ये वाला ऑप्शन है, देन इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देन यहाँ आप लोगों को एक ऑप्शन हो जाएगा प्लस वाला, देन इस पर हम लोगों को फाइनली क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देन गाइस यहाँ आप लोगों का एक लेयर बनकर शो हो जाएगा। देन उसके बाद इस लेयर पे हम लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देन यहाँ आप लोगों को नॉर्मल की जगह इसको आप लोगों को फाइनली सॉफ्ट लाइट पे देन क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस दिन आ जाना है बैक। बैक आ जाने के बाद फाइनली जाना है हम लोगों को अपना कलर वाले ऑप्शन पे। कलर वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद देन आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। तो देन गाइस यहाँ आप लोगों को ये वाला ऑप्शन शो रहा होगा, देन इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देन गाइस यहाँ आप लोगों को यहाँ तीसरा नंबर है, देन इसको आप लोगों को ले लेना है, ठीक है। यहाँ आप लोग फाइनली देख सकते हो। उसके बाद यहाँ उसके बाद आप लोगों को ये वाला ले लेना है R20, ठीक है। उसको आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद फाइनली जाना है ब्रश वाले ऑप्शन पे। ब्रश वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद फाइनली गाइस यहाँ से आप लोगों को एक ब्रश लेना है, देन ए वाला, ठीक है। तो यहाँ सेटिंग भी आप लोग देख सकते हो, कुछ भी नहीं है। साइज को हम लोग यहाँ थोड़ा सा कम कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद देन गाइस जो हम लोगों का मॉडल इसको कुछ इस टाइप से जूम करेंगे और ब्रश को साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करके गाइस हम लोग कुछ इस टाइप से ब्रश को चलाएंगे। तो आफ्टरऑल यहाँ आप लोग खुद ही देख सकते हो ब्रश को चलाने के बाद जो हम लोगों का मॉडल का पीक है भी ज़्यादा औसम तरीके से गोरा हो रहा है। तो फाइनली गाइस आप लोगों को भी कुछ इस टाइप से जो आप लोगों का मॉडल है देन उसको आप लोगों को गोरा कर लेना है। तो देन गाइस हम लोग यहाँ जल्दी जल्दी से कर लेते हैं यार, क्योंकि भाई मेरा जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा रहता है। क्योंकि गाइस मैं जो भी आप लोगों को बताता हूँ एकदम जेन्युइन तरीके से बताता हूँ, कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाता। चाहे मेरा वीडियो कितना भी लंबा हो गाइस, मैं जो भी बताऊँगा आप लोगों को एकदम रियल ही बताऊँगा। जबकि भाई आप लोग आते हो कुछ सीखने के लिए, तो देन गाइस आप लोगों को मैं गलत सलत की बताऊंगा यार, जो भी है रियलिस्टिक आप लोगों के सामने लाइव प्रूफ बताऊंगा। तो फाइनली गाइस जो हम लोगों का मॉडल का फेस है उसको हम लोग फाइनली जल्दी से यहाँ गोरा कर लेते हैं, ठीक है।
कंट्रोल गाइस यहां देख सकते हो यार, गोरा कर लेने के बाद जो हमारा पीक है ना गाइस, कितना ही ऑसम तरीके से लग रहा है। फाइनली उसके बाद जो हम लोग का ऊपर कह रहा है उसके लिए देन दूसरा ब्रश यूज करेंगे, ठीक है। तो देन हम लोग जाएंगे अपना ब्रश वाले ऑप्शन पे, ब्रश वाले ऑप्शन पे जाने के बाद देन यहाँ से आप लोगों को लेना है ये वाला ब्रश, ठीक है। सेटिंग भी आप लोग देख सकते हो कुछ भी नहीं रहता गाइस। उसके बाद जो आप लोग को ऊपर कह रहे हैं ना, यहाँ देख सकते हो आप लोग को इस ब्रश से को यूज़ करके कुछ इस टाइप से आप लोग को गोरा करना है, वरना आप लोगों का जो ब्रश का निशान है गाइस उसी ब्रश से करोगे ना तो फाइनली आप लोगों का निशान आ जाएगा। तो आप लोग को इस ब्रश का यूज़ करना है देन ओके गाइस। यहाँ देख सकते हो आप लोग को ऊपर के साइड को करने के लिए अट्रोल, यहाँ देख सकते हो। उसके बाद जो हमारा पीक है काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रहा है। देन उसके बाद क्या करना है गाइस, फेस को हम लोगों को स्मूथ करना है। तो देन हम लोग सबसे पहले जो अपना यहाँ ये वाला ऑप्शन है देन इस पर क्लिक कर लेंगे, जो हम लोगों का एम्प्टी लेयर क्रिएट किया है देन उसको हम लोगों को फाइनली क्लिक करके इसको हम लोग को यहाँ से मर्जा आल कर लेना है ताकि एक में मैच हो जाए, ठीक है। उसके बाद देन जाना है हम लोग को फेस को स्मूथ करने के लिए देन अपना ब्रश वाले ऑप्शन पे, ब्रश वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद देन यहाँ से हम लोग बेक कर लेंगे। बेक कर लेने के बाद देन गाइस यहाँ आप लोगों को ये वाला ब्रश यूज़ करना है, ठीक है। देख सकते हो सेटिंग भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोगों को सेटिंग कुछ इस टाइप से रखना है फेस को, देख सकते हो स्मूथ करने के लिए देन साइज को आप लोगों को कम ज़्यादा करना है अपना फेस के अकॉर्डिंग। और यहाँ आप लोगों को बाकी दोनों को 2-2% रखना है देन लाइब्रेरी पर क्लिक करके आ जाएंगे बेक। फाइनली जो हमारा मॉडल है उसको करेंगे जूम, जूम कर लेने के बाद जो हमारा ब्रश का साइज है उसको हम लोग कुछ इस टाइप से बढ़ाएंगे, अट्रोल ब्रश को हम लोग कुछ इस टाइप से चलाएंगे। फाइनली उसके बाद देन गाइस आप लोगों का जो मॉडल का फेस है एकदम ही प्रोफेशनल तरीके से बहुत हार्ड तरीके से स्मूथ होगा आप लोग फाइनली देख सकते हो। तो भाई मैं आप लोगों को हर स्टेप एक एक स्टेप आप लोगों को बारीकी से समझा रहा हूँ भाई। तो आप टोटल आप लोगों को भी कुछ इस टाइप से जो आप लोगों का मॉडल है या आप लोगों का खुद का पीक है उसको आप लोगों को कुछ इस टाइप से यहाँ एडिटिंग करना है। टोटल जो हमारा मॉडल का फेस है उसको हम लोग फाइनली जल्दी से स्मूथ कर लेते हैं ताकि जो हमारा वीडियो है वो लंबा ना हो और फाइनली आप लोग कम समय में अच्छे से फोटो एडिटिंग सीख जाएं और अच्छे अच्छे फोटो एडिटिंग कर पाएं। आफ्टरऑल गाइस यहाँ देख सकते हो यार, फेस को स्मूथ करने के बाद जो हमारा पीक है गाइस काफ़ी ज़्यादा ऑसम तरीके से लग रहा है। देन फाइनली हम लोगों को अब क्या करना है, यहाँ हम लोगों को अब कुछ भी नहीं करना है गाइस, सीधा सीधा हम लोगों को जो अपना मॉडल है देन इसको हम लोगों को अपना 3 डॉट पे जाके फाइनली कर लेना है सेव। सेव कर लेने के बाद देन गाइस अब बैकग्राउंड को कैसे एडिटिंग करना है वो मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो देन गाइस इसको सेव हो जाने देते हैं, उसके बाद इस पिक को लेके जाना है फाइनली हम लोगों को देन अपना लाइट रूम के अंदर। तो फाइनली गाइस यहाँ देख सकते हो जो हमारा मॉडल देन इसको हम लोगों ने फाइनली अपना लाइट रूम के अंदर ऐड कर लिया है। ऐड कर लेने के बाद फाइनली गाइस आप लोगों को बैकग्राउंड एडिटिंग करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, फाइनली आप लोगों का भाई आप लोगों को ये वाला प्रीसेट दे देगा, ठीक है। देन आप लोगों को इस प्रीसेट को यूज़ करना है। तो प्रीसेट यूज़ करना मेरे सभी दोस्तों को आता ही हो गया, नहीं आता है तो फाइनली आप लोगों को करना क्या है, देन यहाँ आप लोगों को प्रीसेट को ओपन कर लेना है, देन जाना है 3 डॉट पे। फाइनली यहाँ से आप लोगों को कॉपी सेटिंग का ऑप्शन हो जाएगा, देन इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद देन आप लोगों को ये तीनों दिख रहे होंगे, देख सकते हो 1, 2, 3, इन तीनों पे आप लोगों को राइट कर लेना है। उस पर उसके बाद यहाँ ऊपर पे राइट का आइकन आएगा, देन उस पर क्लिक कर लेना है, बैक आ जाना है। और जो हम लोगों ने अभी अपना मॉडल को ऐड किया फाइनली इसको ओपन करने हैं ना, देन जाना है 3 डॉट पे और यहाँ उसके बाद आप लोगों को पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन हो जाएगा, देन इस पर हम लोगों को क्लिक कर लेना है। फाइनली उसके बाद एक क्लिक में आप लोगों का कलर रिट्रचिंग अब बैकग्राउंड भी कुछ इस टाइप से ऑसम तरीका से एडिटिंग हो जाएगा। तो ट्रोल गाइस यहाँ देख सकते हो कितना फुल HD में और कितना ऑसम तरीका से फाइनली हम लोगों का जो फोटो एडिटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ देख सकते हो बिफोर इन आफ्टर। सो गाइस वीडियो में कुछ भी सीखने के लिए मिला होगा यार, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करना, देन चैनल पर नहीं हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।